हेलो दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैट कैम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश मल। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है एनपीटी थ्रेड, नेशनल पाइप थ्रेड। एनपीटी थ्रेड को हम कैसे बनाएंगे ये पूरा विस्तार से समझेंगे। इसका हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। अगर आप सीएनसी ऑपरेटर हैं, प्रोग्रामर हैं या लेथ मशीन ऑपरेटर हैं, जिसे हम खराजिया बोलते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम मान लो आप इस लाइन से आप कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो ज़्यादा करके विदेश में हमारा ये थ्रेड चलते हैं, एनपीटी थ्रेड या बीएसपीटी थ्रेड। तो आपको अच्छे खासी सैलरी मिल जाएंगी इसमें। तो ये वीडियो पूरा आप विस्तार से समझो कि इसे हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम समझते हैं ये टेपर 116, ये क्या है टेपर 116, इसका क्या मतलब है। 116 का 116 का मतलब है कि एक इंच का 16वां हिस्सा इसमें टेपर होता है। एक इंच का 16वां हिस्सा बोलेगा तो 25.4 हो गया हमारा एक इंच में, एक इंच का 16वां हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, 25.4 में 16 का भाग दे देंगे। एक इंच का 16वां हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25.4 में 16 का भाग दे देंगे। तो हम भाग दे देंगे 25.4 भागा 16, तो वैल्यू आ गया हमारा 1.5875। अब हमने इसको mm में निकाल लिया, 25.4 में हमारा टेपर कितना हो रहा है 1.5875। अब इसे हम mm में निकालेंगे, ये तो हमारा एक इंच में हो गया कि एक इंच में 1.5875 टेपर हो गया। अब एक mm में कितना टेपर होगा, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी कि ये जो लंबाई है 15 mm, हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया है इसकी लंबाई 15 mm। मान लो ये 15 की जगह 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, 20 हो सकता है। तो जब हम इसे mm में निकाल लेंगे तो कैलकुलेशन में हमें आराम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, mm में निकालने के लिए इसमें 25.4 का भाग दे देंगे। हम इसमें 25.4 का भाग दे देंगे, तो हम इसमें भाग दे देंगे 25.4, तो वैल्यू आ गया 0.0625। अब ये हमारा 1 mm में आ गया टेपर, ये हमारा 1 mm में टेपर आ गया, 1 mm में, अभी हमारा 1 mm में टेपर आ गया। अब हम ये जो टेपर है इसका डाया निकालने के लिए 0.0625 में 15 का गुणा कर देंगे, तो टेपर का डाया हमारा निकल जाएगा। तो आइए गुणा करते हैं, 0.0625 में हम गुणा कर देंगे कितने का, 15 का। ये लंबाई है 15 mm, ये लंबाई है 15 mm, तो हम गुना कर देंगे 15 का, तो वैल्यू आ गया 0.9375। जब हमने 0.0625 में गुणा किया 15 का, जो हमारी लंबाई है ये, तो वैल्यू आ गया हमारा 0.9375। अब ये डाया निकालने के लिए, ये टेपर का डाया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 21.34 में हम माइनस कर देंगे 0.9375, तो हम माइनस करेंगे 21.34 माइनस 0.9375, तो ये आ गया 20.402, ये आ गया 20.402। ये डाया हमें मिल गया, ये डाया मिल गया 20.402। जब मैं इसे टर्निंग करूंगा, यहां से जब मैं ये टर्निंग करूंगा इसको, तो ये डाया हमारा कितना रहेगा, ये रहेगा 20.402। ये टर्निंग का साइज बता रहा हूं आपको मैं, जो ये है टेपर वाला, ये टर्निंग का है कि जब आप इसे टर्निंग करोगे थ्रेडिंग करने के पहले, तो ये साइज आप क्या बनाओगे, तो ये साइज आप बनाओगे 20.402 और ये साइज रहेगा आपका
21.34, ये तो हमने चार्ट से निकाल लिया था। ये है फार्मूला नंबर एक, दो फार्मूले है इसमें, इसमें हम दो फार्मूले का यूज करूंगा। तो एक से हमने निकाल लिया, वैल्यू आ गया 20.402, सिंपल है। देखो आप 25.4 में हमने 16 का भाग दे दिया, वैल्यू आ गया 1.5875। उसके बाद से इसमें हमने 25.4 का भाग दे दिया, वैल्यू आ गया 0.0625। अब ये हमारा 1 mm में आ गया, तो हमने क्या किया 0.0625 में गुणा कर दिया 15 का, तो वैल्यू आ गया 0.9375। अब हमने क्या किया, इसमें से जो हमारा मेजर आया है 21.34, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, तो वैल्यू आ गया 20.402। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लेना चाहते हो, इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब हम जानते हैं थ्रेड एंगल, थ्रेड एंगल, थ्रेड एंगल, ये एंगल कितना होता है, ये होता है 60 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री। जब आप इसमें इंसर्ट लगाओगे तो इंसर्ट कितने का लोगे, इंसर्ट लोगे आप 60 डिग्री का। दो इंसर्ट आते हैं दो तरह के, एक 55 डिग्री का और एक 60 डिग्री का, तो इसमें हम इंसर्ट यूज करेंगे 60 डिग्री का। पिच कितना है, ये है 14 TPI, 14 चूड़ी। जब आप चार्ट में देखोगे तो वहां पे आपको दिखाएगा 14 चूड़ी, ये हमारा पिच होता है, तो इसे हमें निकालना पड़ता है। 14 का मतलब कितना हो गया, हम बनाएंगे mm में, फिट देते हैं मशीन में, सीएनसी मशीन में, तो 25.4 में हम भाग दे देंगे 14 का, तो वैल्यू आ जाएगा 1.81, 1.81 का हमारा फीड हो जाएगा जब हम फीड लिखेंगे। तो इसमें होता है 14 चूड़ी, पीछे हमारा 14 चूड़ी। और थ्रेड डेप्थ, थ्रेड डेप्थ, जब मैं इसमें थ्रेड बनाऊंगा यहां पे, तो एक साइड से हमारा डेप्थ कितना आएगा, अभी तो हमने इसका निकाल लिया टेपर, जो हमने टर्निंग किया है ये उसका साइज है, ये थ्रेड डेप्थ हमारा कितना आएगा, अभी मैं थ्रेड डेप्थ आपको बताऊंगा निकालना, इसको अभी पेंडिंग में रखते हैं हम। एंगल कितना है, 1 degree 47 minute, 1 degree 47 minute, ये हमारा जो एंगल है 1 degree 47 minute, ये हमारा एंगल है। थ्रेड माइनर डाया, थ्रेड का माइनर डाया कितना होगा, तो इसको भी मैं पेंडिंग में रखता हूँ, ये और ये दो हमारा पेंडिंग में, जब मैं थ्रेड बनाऊंगा इसमें। और उसके बाद से टेपर माइनर डाया, देखो लिखा है टेपर माइनर डाया, ये हमारा टेपर है, टेपर का हमारा मेजर डाया है और ये है हमारा माइनर डाया। तो माइनर डाया हमने निकाला 20.402। अब ये दूसरा फार्मूला है, ये हमारा दूसरा फार्मूला है, पहला फार्मूला तो हमारा ये था जो हम इसका माइनर डाया निकाले हैं टर्निंग का, दूसरा फार्मूला हमारा ये है, दोनों से सेम आएगा, जो साइज हमारा ये आया है 20.402, वही साइज हमारा इस फार्मूले से आएगा, टेपर माइनर डाया जब मैं निकालूंगा। तो इसे हम कैसे निकालते हैं, डिग्री कितना है, 1 degree 47 minute, 1 degree 47 minute, 1 degree 47 minute। तो ये जो मिनट है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में इसे हम बदलेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, 47 में हम 60 का भाग दे देते हैं, तो हम भाग दे देंगे 47 में भाग दे देंगे 60 का, तो वैल्यू आ गया हमारा 0.7833, 0.7833। तो इसे हम 9 मानते हैं, ये इसको हम 9 पकड़ लेते हैं, तो ये हो गया 0.79। तो डिग्री हमारा हो गया 1.79 का हमारा डिग्री हो गया। अब 1.79 डिग्री के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका टैन थीटा से हम इसका माइनर डाया निकालेंगे, तो डिग्री हो गया हमारा जो एंगल है, जो हमारा एंगल आ गया, एंगल आ गया 1.79, एंगल आ गया हमारा 1.79। अब हम इसकी मदद से भी ये माइनर डाया हम निकाल लेंगे, तो हम क्या करेंगे, टेन 1.79 का हम मान निकालेंगे, तो वैल्यू आ गया हमारा 0.3125।
आगे भी कुछ वैल्यू है। अब क्या करूंगा, मान निकालने के बाद में इसमें मैं जो लंबाई है 15, इसका मैं गुना कर दूंगा, मैं गुना कर दूंगा 15। हमने क्या किया, 10 1.79 का हमने मान निकाल लिया। तो मान निकाल लिया हमने, दोबारा निकाल लेता हूं मैं, 10 1.79, तो वैल्यू आ गया हमारा 0.03125। आगे भी कुछ वैल्यू है, आप निकाल लेना कैलकुलेटर से। अब इसमें हम ये लंबाई हमारा 15 mm, अगर ये लंबाई 16 रहता 17 रहता तो इसका हम गुणा कर देते। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं गुणा कर दूंगा कितने का, 15 का। लंबाई हमारी कितनी है, 15 mm, तो मैं गुना कर लूंगा 15 का 15, तो वैल्यू आ गया हमारा 0.468। आगे भी कुछ वैल्यू है, अब इसमें मैं 2 का गुना कर लूंगा, ये हमारा एक साइड का आ गया जो आया है 0.068। आगे भी कुछ वैल्यू है, 0.468, ये हमारा एक साइड का गया। तो हमें चाहिए दोनों साइड का, दोनों साइड का रहेगा तभी हमें ये माइनस डाया मिलेगा। इसमें 2 का गुणा किया तो वैल्यू आ गया हमारा 0.9375। अब मैं क्या करूंगा, 21.34 में हम माइनस कर लेंगे 0.9375। तो मैं माइनस करूंगा 21.34 माइनस 0.9375, तो वैल्यू आ गया 20.402। तो ये भी हमारा 402 आया, 20.402। तो हमने दोनों फार्मूले से निकाल लिया, पहला फार्मूला हमारा ये हो गया, इससे भी 20.402 आया, और दूसरा फार्मूला हमारा ये है, हमने क्या किया इसको डिग्री में बदल लिया, उसके बाद से 21.34 में हमने इसका माइनस किया 0.9375 को, तो 20.402। तो दो फार्मूले हमारे पास में है, या तो आप इसका उपयोग करो या तो आप इसका यूज करो, तो दोनों से हमारा सेम वैल्यू आ जाएगा। अब मैं इसे मिटाता हूं, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब जो हमारा थ्रेड है, एक साइड से थ्रेड डेप्थ कितना आएगा, ये हमारा टर्निंग का डाया मिल गया माइनर। अब इसमें हम थ्रेड बनाएंगे, जो मैं इसमें थ्रेड बनाऊंगा ये थ्रेड, तो एक साइड से डेप्थ हमारा कितना आएगा, तो इसका फार्मूला है 0.6403 में हम गुना कर देंगे कितने का, पिच का। पिच कितना हमारा है, 1.81। तो हम गुणा कर लेंगे 0.6403 में हम गुना कर लूंगा 1.81, तो वैल्यू आ गया हमारा 1.158। ये एक साइड से डेप्थ आ गया, एक साइड से आ गया 1.158। ये हमारा एक साइड से आ गया। अब दोनों साइड के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का हम गुणा कर लेंगे, इसमें मैं 2 का गुणा कर लूंगा, तो वैल्यू आ गया 2.31। इसमें मैं 2 का गुणा कर लूंगा तो वैल्यू आ जाएगा 2.31। अब हम क्या करेंगे, थ्रेड का माइनर डाया निकालने के लिए 21.34 माइनस 2.31। तो हम करेंगे 21.34 माइनस 2.31, तो वैल्यू आ गया हमारा 19.03। ये हमारा थ्रेड का जो माइनर डाया आ गया,
ये आ गया 19.03 ये हमारा थ्रेड का माइनर डाया आ गया। दोनों साइड से हमने डेस्ट निकाला तो ये हमारा माइनर डाया आ गया। अब हम इसका बनाते हैं प्रोग्राम, मैंने इसका सारा कैलकुलेशन कर लिया, हमने इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब मैं बनाता हूं इसका प्रोग्राम G0। हम जाएंगे मेन प्रोग्राम पे G0X। अब मैं टूल को कहां पर खड़ा करूंगा, ये डाया है 21.34 तो इसे हम 22 पे कर लेंगे, एक्स 22.0, जेड 2.0। टूल हमारा 22 पे खड़ा हो गया, 22.0, इससे हमारा 6-7 पॉइंट ऊपर में खड़ा हो गया और इस फेस से आगे। आप ये डाया नहीं खड़ा करोगे कि टूल को आप इस डाया पे खड़ा करो, आप जो हमारा ये ऊपर का डाया है 21.34 यहां टूल को खड़ा करोगे और जेड 2.0। अब मैं यहां लगाऊंगा साइकिल G92 एक्स। अब मैं एक्स यहां पर कितना लिखूंगा, अगर मैं यहां पे लिख दूं 21, ये है 21.34, अगर मैं यहां लिख दूं 21 तो 0.34 का हमारा ये पहला कट लगेगा। हमारे यूट्यूब पे एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, तो उन्होंने हमें बोला था, मैं जब BSPT थ्रेड के बारे में H144 करके वीडियो है या 43 होगा उसको आप देख लीजिएगा, तो वहां पर मैं लिखा था इसी तरह से। तो उन्होंने बोला कि आपको एक्स 21.34 जैसे ये है तो ये चीज़ यहाँ पे लिखना चाहिए। तो आप सभी को बता दूं मैं कि हम प्रॉपर ये नहीं लिखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स 21.34 तो जब हमारा टूल चलेगा तो पहला कट हमारा समझ लो फ्री में जाएगा, क्योंकि इसी डाय पर जाएगा 21.34 इसी डाय पे जाएगा, तो हमारा ये साइकिल टाइम थोड़ा इससे बढ़ सकता है। तो ये हमारा जरूरी नहीं है कि हम इसी पे लिखें, अगर आप लिखते भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये है कि एक कट आपका फ्री चलेगा। तो यहाँ पे मैं वही लिखता हूँ एक्स 21.34 और जेड माइनस कितना है 15.0 आर। अब यहाँ पे R क्या हुआ आएगा, यहाँ पे R क्या आएगा, तो R की वैल्यू आप समझ लो, काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं इस बारे में कि R की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। टूल हमारा मान लो यहाँ पे खड़ा है, मैं इन सरों को मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, टूल हमारा मैं खड़ा किया हूँ जेड 2.0, इस फेस से 2 mm आगे टूल है यहां से। तो हम जब थ्रेड का टेपर का वैल्यू निकालते हैं तो जहां पे हमारा टूल खड़ा रहेगा वहां से हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर यहां पे मैं 4 लिख दूं तो यहां से कैलकुलेशन होगा, एक बार मैं यहां पे 4 करके देखता हूं, मान लो यहां पे कर दिया मैं 4.0 तो इसके हिसाब से हमारा कैलकुलेशन होगा। तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कैसे, एंगल कितना है 1.79, तो हम क्या करेंगे टेन 1.79 का मैं मान निकालूंगा, तो वैल्यू आ गया हमारा 0.03125। अब इसमें हम गुना कर देंगे कितने का 15, ये हो गया। और टूल को मैं खड़ा किया हूँ जेड 4.0, इस फेस से 4 mm आगे, 15 4 19 19, तो वैल्यू आ गया हमारा 0.593 आर माइनस 0.593। फीट कितना है, फीट है हमारा 1.81 का हमारा फीड है, उसके नीचे लिखूंगा मैं एक्स 21.0 एक्स 20.8। इसी तरह से आप एक एक पॉइंट का, दो दो पॉइंट का कट लेते हुए कहां तक जाओगे 19.0। मान लो ये हमारा आप बीच में लिखते गए, उसके बाद लिखेंगे एक्स 19.03, हमने लिख दिया एक्स 19.03, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया, थ्रेड हमारा पूरा बन जाएगा। उसके बाद से यहाँ लिखूंगा मैं को एक्स, मैं कर दूंगा 50.0 जेड
20.0, उसके बाद से यहाँ से मैं G28 U0.0 W0.0 करके इसे हम होम कर देंगे। तो R की वैल्यू में कन्फ्यूज मत होना आप, और आप भी भाई साहब देख लो, आपका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि जो आपने बोला था कि R की वैल्यू हमारी गलत है, जो BSPT थ्रेड में हमने R का वैल्यू दिया था, तो आप कैलकुलेशन यहाँ से जितना दूरी पर टूल को खड़ा करोगे, 2 mm खड़ा करोगे तो उसके हिसाब से हमारा ये कैलकुलेशन आएगा आर की वैल्यू, 4 खड़ा करोगे तो 4 के हिसाब से आएगा। तो एक बार मैं यहाँ पे 2 करके देखता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं किया 2, Z 2.0, तो हम क्या करेंगे tan 1.79 का मान निकालेंगे, tan 1.79। अब इसमें हम गुना कर देंगे 15 mm, ये हमारी लंबाई है, ये कन्फ्यूज मत होना, जितना लंबाई होगा वो, और आगे मैं कहाँ खड़ा किया हूँ, Z 2.0, 15 2 17 17, तो वैल्यू आ गया हमारा 0.5321 माइनस 0.5321। अब हमारा वैल्यू आ गया, ये आ गया माइनस 0.5312 है, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, 1212। तो आपको अगर सिर्फ इतना लिखोगे -0.53 तो इतना बहुत है, आगे की वैल्यू लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। हमने इसका सारा कोऑर्डिनेट निकाल लिया और इसका हमने प्रोग्राम बना लिया। तो ये है NPT थ्रेड, मैं एक वीडियो बनाया हूँ BSPT थ्रेड के बारे में, H 143 या 144 करके वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। तो लगभग दोनों मिलता जुलता है, बस फर्क क्या है कि इसमें जो एंगल है ये 60 है और BSPT में होता है हमारा 55 एंगल, और दूसरा जो हमारा डाई का फर्क है, तो अगर आधा इंची BSPT का डाई देखोगे तो थोड़ा सा इसमें फर्क होगा 1-2-3 पॉइंट का, और ये हमारा NPT थ्रेड, तो इसके हिसाब से हमारा ये डाई है। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करिए आप। हमें उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, धन्यवाद।